હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયું હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. કેસે હો આપ સબ લોગ? હોપ યુ ઓલ આર વેરી ફાઇન. बच्चा लोग, हमने स्टैंडर्ड 11th के अंदर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है. लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 तक देख लिया है. प्रेजेंट वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 36 ऑनवर्ड्स के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर आपको पूछा है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर कुछ इस तरीके से है. क्वेश्चन नंबर 36 कि सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स, उनका आयोनाइजेशन ऑर्डर दिया हुआ है आपको. क्या दिया है? तो यहाँ पर आपको ऐसा दिया है कि लिथियम से ज़्यादा है बोरोन, उससे ज़्यादा है बेरिलियम, ठीक है. उसके बाद है कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन, और लास्ट में आपका नियॉन है, ठीक है. तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. पहला क्वेश्चन इज बेरिलियम हैज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी. बेरिलियम हैज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, हायर डेल्टा एच आई देन बोरोन. देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको डेल्टा एच आई क्या है वो समझना है, ठीक है. तो डेल्टा एच आई क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम या फ्रॉम द गैशियस एटम, ठीक है. तो यहां पर आपको ऐसा पूछा है कि बेरिलियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बोरोन से ज्यादा है. आइए इसको समझने का ट्राई करते हैं. देखिए, जब भी आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्वेश्चन पूछा हो, तब सबसे पहला जो काम है वो आपको ये करना है कि उन दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख देना है, ठीक है. अब यहाँ पर बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, विच इज 1s2 2s2. अगर बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ट्राई करें तो 1s2 2s2 2p1, ठीक है. तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि जो बेरिलियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरोन से ज़्यादा स्टेबल है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम इज मोर स्टेबल देन बोरोन. पहली चीज़ क्यों? तो इसका आंसर ये है कि बेरिलियम के अंदर आपकी 2s ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है. जब भी किसी एलिमेंट में ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होती है तब वो स्टेबल होता है. तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है. दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के केस में वो 2s है, ठीक है. इन केस ऑफ बेरिलियम द इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 2s. इन बेरिलियम इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम 2s, रिमूव्ड फ्रॉम 2s. बेरिलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s में से जाएगा. और बोरोन में, तो बोरोन के केस में द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम 2p. तो फर्क क्या पड़ेगा? वी आर नोइंग के 2s इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस कंपेयर टू 2p, या ऐसा बोलो कि s ऑर्बिटल इज मोर पेनिट्रेटेड देन p ऑर्बिटल. So, s orbital is more close to nucleus than p orbital, ठीक है. s orbital की comparison में p orbital जो है वो nucleus से दूर है, या s orbital जो है वो nucleus से close है. तो इसका electron remove करना ज़्यादा मुश्किल होगा. क्यों? क्योंकि nucleus से close होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, समझना.
बराबर। यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्लोज है बराबर, तो क्या होगा, उसका अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा और इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ देनी एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये हमें फर्स्ट रीज़न समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि एक्सप्लेन ऑक्सीजन हैज़ लोअर डेल्टा एच आई देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरिन। ठीक है, चलो समझते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट टू है। पार्ट टू में हमें ऐसा पूछा है कि ऑक्सीजन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बराबर, पार्ट नंबर टू है यहां पर, ऑक्सीजन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, ऑक्सीजन हैज लोअर डेल्टा एच आई देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो बच्चों मैंने अभी बोला आपको, जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी का या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तब आपको उनका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो हम सबसे पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का है 1s2, 2s2, 2p, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2p4। अब ध्यान से देखिए, दिस नाइट्रोजन इज एक्स्ट्रा स्टेबल। यहाँ पर इन केस ऑफ नाइट्रोजन द पी ऑर्बिटल इज एक्स्ट्रा स्टेबल। एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इट इज हाफ फिल्ड। और ऑक्सीजन के केस में क्या है? बिकॉज ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मोर रिपल्शन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है? देर इज मोर रिपल्शन। यहां पर क्योंकि 2p के अंदर जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड अप है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं यहां पर फिगर ड्रॉ कर देता हूं, समझिएगा। ये अगर आपकी 2p ऑर्बिटल है तो यहां पर कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड अप होगा। जो इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, ठीक है, और यहां पर जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड अप होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा रिपल्शन या मोर रिपल्शन, इट इज इजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंदर 2p ऑर्बिटल बराबर आधी भरी हुई है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो यहां पर ये बराबर आधी भरी हुई होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल है। ऑक्सीजन के केस में बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। इट इज इजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी है तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम आएगा। तो पहला पार्ट हमने समझ लिया कि ऑक्सीजन के पास नाइट्रोजन से आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है। अब समझते हैं कि फ्लोरीन का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों है। तो वापस से आप फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। तो फ्लोरीन का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p4। तो अगर आप यहां पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन को कंपेयर करें तो यहां पर यू कैन सी के न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज्ड। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन की कंपैरिजन में फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत आसानी से रिमूव नहीं होगा, नहीं होगा, समझना, ठीक है। नाइट्रोजन की कंपैरिजन में ऑक्सीजन का एनर्जी कम क्यों है, समझा दिया। फ्लोरीन का एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। इसके न्यूक्लियस के अंदर 9 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस के अंदर खाली 8 प्रोटॉन है। क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा भाई, यहाँ पर जो फ्लोरीन है ना, उसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अपने पास खींचेगा कंपेयर टू ऑक्सीजन। सो द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन ऑक्सीजन, या उल्टा बोलो, ऑक्सीजन इज लो देन फ्लोरीन। क्लियर हुआ? चलो अब बढ़ते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 37। डिस्कस द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन सेम पीरियड। ठीक है, हमें सेम पीरियड के अंदर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू डिस्कस करना है।
क्वेश्चन नंबर है 37। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड। तो बच्चों समझो, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है ना, वो अलोंग द पीरियड इंक्रीज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस इन पीरियड, मतलब कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, ऐसे ऐसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होता है। कैसे? तो देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस, वो एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड है, ठीक है। आपको पता है कि इन पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता है। तो अगर यहाँ पर एटॉमिक साइज कम होगा तो सीधी सी बात है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है उसका वैल्यू इंक्रीज होगा। अब इसको ग्राफ की मदद से समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैं आपका आयोनाइजेशन एनर्जी प्लॉट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट, यहाँ पर आपका आ जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी और यहाँ पर आपका आ जाएगा एलिमेंट। अब बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट क्या होगा? तो आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट जो है वो हो जाएगा किलो जूल पर मोल। अगर आप सिंबल लिखना चाहें तो सिंबल जो है वो हो जाएगा डेल्टा एच आई, ठीक है, डेल्टा एच आई। अब हम अगर ट्रेंड्स देखने का ट्राई करें तो यहाँ पर लिथियम है, यहाँ पर बेरिलियम है। बेरिलियम के बाद वापस से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के पास वापस कम होगा फिर फ्लोरीन। उसके बाद एक और एलिमेंट लिख देते हैं नियोन, विच इज नोबल गैस। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका ट्रेंड कुछ इस तरीके से है। मोस्ट ऑफ द ट्रेंड आपको दिखा रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर हम एलिमेंट्स के नाम लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो यू कैन सी कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली कुछ कुछ एक्सेप्शंस के अलावा बढ़ रहा है, ठीक है। अब वो जो एक्सेप्शन है उसको कोई सेपरेट क्वेश्चन के अंदर ट्राई करने का ट्राई करेंगे, बरोबर। इन दोनों के बारे में तो आपने समझ लिया है कि बेरिलियम से बोरोन क्यों कम है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन क्यों कम है, बराबर। बाकी के जो भी आगे एक्सेप्शंस आएंगे उनको हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर जब आएंगे तब देखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप। अब हमें आयोनाइजेशन एनर्जी देखना है इन ग्रुप, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप। तो देखिए, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज की जगह पे ग्रुप के अंदर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इन ग्रुप द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस। इन ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होता है? तो ग्रुप के अंदर, इन ग्रुप एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज ही होता है, समझना, एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। अब देखो, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है डाउन द ग्रुप और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, बट इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इज मोर। यहां पर जो शील्डिंग इफेक्ट का वैल्यू है वो ज्यादा होता है, बराबर। अगर किसी को शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पता नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा, बराबर। तो ग्रुप के अंदर दो चीजें बढ़ रही हैं। डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और साथ साथ में शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है,
लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट है वो ज्यादा है, इसीलिए हमें क्या देखने को मिलता है, साइज जो है वो बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो बड़ी सीधी सी बात है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? बहुत आसान सी चीज है। अब इसके अंदर हम ग्राफ समझने का ट्राई करते हैं कि ग्राफ कैसा दिखेगा, ठीक है। अब आपको एक ट्रेंड तो पता ही है, कौन सा? कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होने वाला है। तो चलिए आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए पहले पॉइंट्स लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका लिथियम सोडियम, बराबर। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी एकदम से फॉल होता है पोटेशियम के लिए, उसके बाद है रूबीडियम, और उसके बाद यू हैव गॉट सीजियम, ठीक है। यहां से यहां तक जोड़ दीजिए पॉइंट्स को, ठीक है। तो यहां पर लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम और सीजियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम, आप देख सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डाउन द ग्रुप, ये डाउन द ग्रुप आ रहे हो ना, डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हो रहा है? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी या व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप रेगुलरली डिक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी रेगुलरली डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है वो रेगुलरली डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहला जो रीजन है दैट इज एटॉमिक साइज, ठीक है। द फर्स्ट रीजन इज एटॉमिक साइज। तो बच्चों बताओ डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होगा? तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू सेल्स जिसको आप जनरली एन के नाम से जानते हो। तो एटॉमिक साइज जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नई नई सेल्स जो है वो बढ़ती है, ठीक है। दूसरा शील्डिंग इफेक्ट, दूसरा जो फैक्टर है दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। तो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट का वैल्यू जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनर ऑर्बिटल के अंदर ऐड होते हैं, ठीक है। बिकॉज इनर इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एडेड, या इनर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन लोअर ऑर्बिटल्स। जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तब नीचे की या डाउन ऑर्बिटल्स के अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली ऐड होते जाते हैं। अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली ऐड होते जाते हैं तो क्या होगा, आपका शील्डिंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, ठीक है। थर्ड जो फैक्टर है वो न्यूक्लियर चार्ज है। थर्ड जो फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब वो आपको समझ में आता है कि भाई डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर असर कैसे करता है, तो देखो अगर एटॉमिक साइज बड़ा, अगर एटॉमिक साइज बढ़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, वो आपको समझ में आता है। अब अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी अगेन आपका डिक्रीज होता है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। तो दो फैक्टर्स जो हैं वो आपके डिक्रीज करने वाले हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी को दो फैक्टर्स डिक्रीज करने वाले हैं, एक फैक्टर इंक्रीज करने वाला है। कहने का मतलब ओवरऑल डाउन द ग्रुप जो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि डाउन द ग्रुप आओगे तो ग्रेजुअली आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 41, सॉरी क्वेश्चन नंबर 40, शील्डिंग इफेक्ट विद एग्जाम्पल, ठीक है। व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, उसको एग्जाम्पल की मदद से हमको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर इज 40, क्वेश्चन नंबर 40, एक्सप्लेन शील्डिंग इफेक्ट, आपको शील्डिंग इफेक्ट समझाना है। देखो शील्डिंग इफेक्ट का दूसरा नाम जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी है, ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी है। तो शील्डिंग इफेक्ट का दूसरा नाम हम समझेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ठीक है। या तो फिर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो देखो ये जो चीज़ है ना वो खास करके मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर देखी जाती है, जिसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। दिस सिस्टम, दिस थिंग इज ऑब्जर्व्ड इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, तो इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर शील्डेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर शील्डेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, वो इनर इलेक्ट्रॉन्स की मदद से शील्डेड रहते हैं या तो स्क्रीन रहते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, समझना कैसे। सपोज कि यहां पर मैं आपका न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर आपकी फर्स्ट शेल, यहां पर सेकेंड शेल और यहां पर आपकी थर्ड शेल है, ठीक है। तो यहां पर जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर प्रेजेंट है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन करते हैं या शील्ड करते हैं, ठीक है। यहां पर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दिस विल एक्सपीरियंस द लेस चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, लेस पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। यहां पर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस का बहुत ही कम चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, सॉरी बहुत ही ज्यादा इजी है, आई एम सॉरी, ठीक है। जैसे यहां पर अगर हम लिथियम की बात करें, ठीक है, लिथियम की एग्जाम्पल, लिथियम की बात करें तो लिथियम का कन्फिग्यूरेशन हो जाएगा 1s2 2s1। तो दिस 2s1 इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डेड फ्रॉम न्यूक्लियस ड्यू टू 1s इलेक्ट्रॉन्स। जो 2s के इलेक्ट्रॉन्स है ना वो अंदर के 1s इलेक्ट्रॉन्स की मदद से शील्डेड होते हैं। कहने का मतलब दे एक्सपीरियंस लेस देन +3 चार्ज। उनको न्यूक्लियस का +3 चार्ज एक्सपीरियंस करना था,
लेकिन वो उससे कम चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं. क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट. ठीक है, अब शील्डिंग इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रुप के अंदर बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है. शील्डिंग इफेक्ट इन ग्रुप, शील्डिंग इफेक्ट इन ग्रुप. तो शील्डिंग इफेक्ट का जो इफेक्ट मैग्नीट्यूड है मोर ऑब्जर्व होता है, मोर ऑब्जर्व्ड इन ग्रुप. शील्डिंग इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रुप के अंदर बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है. क्यों? अगर इनर ऑर्बिटल्स इसको कंप्लीटली भरी हुई हो तो, इफ इनर ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, इफ इनर ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, अगर इनर ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है तो शील्डिंग इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है. एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल जो है वो अल्कली मेटल्स है. अल्कली मेटल्स, चलिए समझा देता हूं. यहां पर आप सोडियम ले लीजिए, ठीक है, सोडियम. तो सोडियम के केस में क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. तो यहां पर ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर ये इनर इलेक्ट्रॉन्स वो इस 3s1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज्यादा न्यूक्लियस का चार्ज आने नहीं देते हैं. इसीलिए ही जो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है वो बहुत ही कम होता है. ठीक है, वो बहुत ही कम होता है. तो हमने ये शील्डिंग इफेक्ट देखा ग्रुप के अंदर. अब शील्डिंग इफेक्ट का वैल्यू पीरियड के अंदर भी देख लेते हैं. शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियड, शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियड. तो देखो, इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, या इट इज नॉट मोर ऑब्जर्व्ड, इट इज नॉट मच ऑब्जर्व्ड इन पीरियड. वो पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा देखी नहीं गई है. क्यों? क्योंकि इन पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इज मोर. इन पीरियड इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज मोर. यहां पर शील्डिंग इफेक्ट का रोल बहुत ही कम होता है. खाली और खाली कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंटली प्ले करता है? न्यूक्लियर चार्ज. यहां पर न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ. हाउ यू वुड एक्सप्लेन द फैक्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. चलिए समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 41, द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो बच्चों याद करो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं? तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वो किसके लिए आपको एनर्जी दिखाता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इट इज लेस देन थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव होता जाएगा ऐसे ऐसे क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा. सपोज कि आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन हुआ तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा ना, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा. सेकेंड आयोनाइजेशन के बाद, सेकेंड आयोनाइजेशन के बाद जो पॉजिटिव चार्ज है वो और भी इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, तो जैसे जैसे आयोनाइजेशन होता जाएगा ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा.
बराबर, पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, आपका न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब कि उनको रिमूव करना धीरे धीरे ग्रेजुअली मुश्किल होता जाएगा। सो द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लोएस्ट एंड द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट। ठीक है, इसका सिंपल रीजन है पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है पेज नंबर 163 के ऊपर, मैं वो आपके लिए छोड़ देता हूँ, इट इज वेरी इजीली, यू कैन सी दैट क्वेश्चन वेरी नाइसली, वेरी इजीली। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउ यू वुड एक्सप्लेन द फैक्ट दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बट इट्स सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें ऐसा पूछा है कि यहाँ पर आपका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन द मैग्नीशियम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सोडियम और मैग्नीशियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस करना है। तो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन लिख देना है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन हो जाएगा 1s2 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। यहाँ पर आप नियॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप नियॉन भी लिख सकते हैं। और अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 12। तो मैग्नीशियम के केस में यही चीज़ क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, इसको भी अगेन आप लिख सकते हैं नियॉन। तो यू कैन सी कि पहले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, सोडियम का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो मैग्नीशियम से लोअर है। चलिए समझते हैं कैसे। तो देखिए, इन केस ऑफ सोडियम यू कैन वेरी इजीली सी कि इफ वी रिमूव वन इलेक्ट्रॉन वी अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इन सोडियम रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन गिव्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, बराबर। सोडियम के अंदर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देता है जो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, वेर एज दिस थिंग इज एब्सेंट इन केस ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं मिल रहा है। सो द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज मोर देन मैग्नीशियम, बराबर। एक्सक्यूज मी, इसका दूसरा रीजन जो है वो ये भी है कि सोडियम की कंपैरिजन में मैग्नीशियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो मोर है, बराबर। तो ये भी लिख सकते हो कि न्यूक्लियर चार्ज ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन सोडियम। तो सोडियम की कंपैरिजन में मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लो लेस देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। उसके दो रीजन है, पहला, सोडियम में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो वी गेट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन विच इज वेरी स्टेबल। एंड द सेकेंड रीजन इज इन केस ऑफ मैग्नीशियम द न्यूक्लियर चार्ज इज मोर देन सोडियम, सो इट इज ईजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वाई
सेकेंड आयोनाइजेशन एंथाल्पी ऑफ सोडियम बाय सेकेंड आयोनाइजेशन एंथाल्पी ऑफ सोडियम इज मोर देन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथाल्पी ऑफ मैग्नीशियम। तो देखो अगर हम इसमें से Na+ बना दें, ठीक है, तो Na+ का कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो इट इज 1s2 2s2 2p6 और Mg+ का कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लियर हो रहा है? तो देखो अगर हमें इलेक्ट्रॉन सोडियम में से रिमूव करना है, समझना, अगर हमें इलेक्ट्रॉन सोडियम में से रिमूव करना है, ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन सोडियम में से रिमूव करना है तो हमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करना होगा, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करना होगा। अगर हमें इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में से रिमूव करना है तो वो बहुत आसान होगा क्योंकि उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर वाली 3s ऑर्बिटल में से निकालना है, यहाँ पर अंदर वाली 2p में से निकालना है और यहाँ पर बाहर वाली 3s में से निकालना है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब कर रहे हो। देखो यू आर रिमूविंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विच इज वेरी अनस्टेबल एंड हेंस द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथाल्पी ऑफ सोडियम इज दैट और मोर देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम। यहाँ पर मैग्नीशियम के केस में इलेक्ट्रॉन बाहर वाली 3s में से निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, इसीलिए मैग्नीशियम में से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये वाला मैग्नीशियम प्लस तो बन चुका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मैग्नीशियम में से आसान होगा, सोडियम में से मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि अगर सोडियम में से आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब करना होगा। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में दिया हुआ है, कैलकुलेट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन जूल पर मोल। समझना, अब यहां पर हमें एनर्जी जो है वो जूल पर मोल में कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हमें जूल पर मोल यूनिट में फाइंड आउट करना है, ठीक है। कौन कौन से डेटा दिए हुए हैं, तो हमको हमें यहाँ पर कौन कौन से डेटा दिए हुए हैं चलो देखते हैं। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट दिया हुआ है। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर वैल्यू कितना दिया है, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर जो वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू -2.18 × 10⁻¹⁸ जूल, -2.18 × 10⁻¹⁸ जूल, ठीक है, इतना वैल्यू आपको दिया है। एंड आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन जूल पर मोल यूनिट में निकालना है, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ग्राउंड स्टेट में दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो डेफिनेशन है वो समझ सकते हैं कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर removal of most loosely bound electron, या removal of one electron from atom, atom में से एक electron को remove करने के लिए जो energy देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, ionization energy। अब बच्चों अगर हम ionization energy जितना energy electron को दे देंगे तो वो remove हो जाएगा, रिमूव होके कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर याद रखना इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जीरो माना जाता है, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या माना जाता है, जीरो। तो अब यहां पर लिख देते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी, एनर्जी
ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी जो है इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू जीरो. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे कितना है तो वो है आपका जीरो. तो अब आयोनाइजेशन एनर्जी गिन लेते हैं. तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इट इज इक्वल टू E2 माइनस E1. इसको आप E2 बोल दो, E2, और इसको आप E1 बोल दो. क्या बोल दो? E1. ठीक है, तो E2 माइनस E1 क्या होगा बच्चों? वो होगा 0 माइनस माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल. तो ये हो जाएगा प्लस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल. ये आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है. मतलब इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी दे दो तो वो बाउंड स्टेट में से इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर चला जाएगा. ठीक है, अब इसी एनर्जी को आपको किलो जूल पर मोल में कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे? जूल पर मोल में, सॉरी, तो क्या करोगे? इसको सिंपली एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि एक मोल के अंदर एवोगैड्रो मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 जितने एटम्स होते हैं, बराबर. तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एनर्जी कौन से यूनिट में मिल जाएगा? जूल पर मोल यूनिट में. क्लियर है बच्चों एकदम? चलो वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप खुद से इसको कर सकते हो. हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44 आपको यहां पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया हुआ है. आपको यहां पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया हुआ है किसका? 13 एलिमेंट के ग्रुप्स का, बराबर. 13 एलिमेंट के ग्रुप का आपको यहां पर जो डेविएशन आ रहा है उसको एक्सप्लेन करना है. चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44 में आपको आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 13th ग्रुप एलिमेंट दिया हुआ है. 13th ग्रुप जो है वो दिया हुआ है. क्या है? चलो देख ले, पहले हम लिख लेते हैं. यहां पर लिखता हूं एलिमेंट और यहां पर लिखता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी. यूनिट आपको दिया हुआ है किलो जूल पर मोल यूनिट में. अगर नहीं दिया है तो आप कंसिडर कर सकते हो. एलिमेंट यहां पर होगा बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. वैल्यूज लिख देते हैं 801577. उसके बाद यू हैव गॉट 579. उसके बाद यू हैव गॉट 558 और उसके बाद है 589. तो देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना. आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है. आयोनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज डाउन द ग्रुप. आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए. डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए बट ट्रेंड इज इरेग्युलर. बट यहां पर जो ट्रेंड है इन 13th ग्रुप वो इरेग्युलर है. 13th ग्रुप का जो ट्रेंड है वो कैसा है? इरेग्युलर है. क्यों इरेग्युलर है? आइए समझते हैं. देखिए सबसे पहला जो आपको ट्रेंड समझना है वो ये है आपका बोरॉन से एल्यूमिनियम. तो देखो अगर हम बोरॉन से एल्यूमिनियम जाएं, बोरॉन से एल्यूमिनियम, तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होता है. ये तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ही है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है. बट अगर हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाते हैं तब जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होने की जगह पे इंक्रीज होता है. ये ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स. आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होने की जगह पे क्या होता है? इंक्रीज होता है. अब ऐसा क्यों? तो देखिए यहां पर जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ आते हैं तब अंदर देर आर 3d ऑर्बिटल्स. अगर हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ आए तो क्या होता है? अंदर d ऑर्बिटल्स भरी जाती है. ठीक है, यहां पर अलोंग विद s एंड p
along with s and p orbitals, d orbitals are also filled. D orbitals are filled. अब d orbitals का shielding effect कैसा होता है? Shielding effect of d orbital जो है वो poor होता है. वो मतलब nucleus को अच्छी तरीके से screen नहीं कर पाती. यहां पर इधर से इधर आने पर बीच में 10 d electrons आते हैं या d orbital आती है. वो क्या करती है? Nucleus को अच्छी तरीके से screen नहीं कर पाती है. इसका shielding effect बहुत poor है. तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा. बहुत ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा. तो क्या होगा? आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो है वो एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाने पर बढ़ेगा. अब देखिए, गैलियम से इंडियम आने पर ट्रेंड वापस से रेगुलर है. ठीक है, वापस से यहां पर ट्रेंड रेगुलर है, लेकिन यहां पर देयर इज अगेन इररेगुलर ट्रेंड. इंडियम से थेलियम आने पर वापस इरेगुलर ट्रेंड है. क्यों? क्योंकि अब यहां पर आपको एफ ऑर्बिटल भरनी है. ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे. यहां पर जब आप इंडियम से थेलियम की तरफ आओगे तो आपको एफ ऑर्बिटल भरनी है. आपको कौन सी ऑर्बिटल भरनी है? एफ ऑर्बिटल. अगर आपको एफ ऑर्बिटल भरनी है तो एफ ऑर्बिटल के अंदर जो 14 एफ इलेक्ट्रॉन्स है उसका शील्डिंग इफेक्ट इवन पुअर है, डी से भी ज्यादा पुअर है. इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियम से थेलियम जाने पर ये एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अच्छी तरीके से स्क्रीन नहीं करेंगे. नहीं करेंगे तो न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा. बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा. क्लियर हुआ? चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज क्वेश्चन नंबर 45. तो देखो, क्वेश्चन नंबर 45 में आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहले 60 एलिमेंट्स के लिए आपको पूछी गई है कि पहले 60 एलिमेंट के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बताओ. मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका ग्राफ ड्रॉ करूंगा और एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है. बहुत आसान है, खाली ग्राफ आप समझ लेंगे तो आपको आसानी से याद रह जाएगा. तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45. तो क्वेश्चन नंबर 45 में आपको क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 45 में आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट 60 एलिमेंट्स का पूछा है. तो यहां पर हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं. यहां पर आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी है और यहां पर आपका एटॉमिक नंबर है. यहां पर आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है जिसको हम दिखाते हैं जेड से. आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक नंबर है जेड से. तो देखिए, जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से. ठीक है, यहां पर देर आर वेरियस एलिमेंट्स. ठीक है, यहां पर वेरियस एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पर भी 1, 2, 3, 4 एंड यू कैन रिप्रेजेंट द 5 एलिमेंट्स. ठीक है, अब देखिए यहां पर जो टॉप पोर्शन है, टॉप पोर्शन के ऊपर आपके अल्कली मेटल्स आ रहे हैं. अल्कली मेटल्स मतलब सॉरी डाउन पोर्शन जो है उसके ऊपर आपके अल्कली मेटल्स आ रहे हैं. अल्कली मेटल्स मतलब क्या हो गया? लिथियम, सोडियम. अगर यहां पर आपको Na दिया हुआ है बुक में तो उसको सोडियम Na कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा उसको. LiNa, पोटेशियम. यहां पर आपका आएगा रुबिडियम और यहां पर आपका आएगा सीजियम. अब ऊपर वाले की बात करते हैं तो ऊपर में यहां पर आपका आएगा हीलियम. ठीक है, हीलियम के बाद इस ग्राफ को मुझे करेक्ट करना पड़ेगा. यहां पर हीलियम के बाद जो है वो क्या आएगा? हीलियम के बाद आपका आएगा नियॉन. ठीक है, हीलियम के बाद कौन आएगा? नियॉन. नियॉन के बाद कौन आने वाला है बच्चों? आर्गोन. आर्गोन के बाद क्रिप्टोन. ठीक है, क्रिप्टोन के बाद ग्जेनॉन. अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज जो है उसके अंदर मैक्सिमा जो है, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज के अंदर मैक्सिमा जो है वो यहां पर नोबल गैस के अंदर दिखाता है. ये सब के सब नोबल गैसेस हैं और नोबल गैसेस के अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं वो मैक्सिमा दिखाता है.
मतलब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, और जो मिनिमाज हैं, ठीक है, मिनिमाज, मिनिमाज मतलब मिनिमम का प्लूरल, मिनिमम जो है वो आपका अल्कली मेटल के लिए दिखाई देता है। ये दिखाता है कि जो आपका अल्कली मेटल्स हैं उनका आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। बराबर, वापस यहां पर जो मैक्सिमा है ग्राफ के अंदर वो किसके लिए दिखाई देता है, तो वो नोबल गैसेस के लिए दिखाई देता है, और जो मिनिमम है वो किसके लिए दिखाई देता है, तो वो आपके किसके लिए दिखाई देता है, अल्कली मेटल्स के लिए। बराबर, आपको पता होना चाहिए कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अलोंग द पीरियड इंक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट का वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही चला दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, विच इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म्स आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड ग्राउंड स्टेट। आपको दो टर्म का यहाँ पर मीनिंग समझाना है कि यहाँ पर दो टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। पहला टर्म जो है वो है आइसोलेटेड गैसियस एटम और दूसरा है ग्राउंड स्टेट। चलिए देखते हैं, दो टर्म्स दिखाने हैं। पहला है आपका आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये जो टर्म है ना आइसोलेटेड गैसियस एटम, वो आपको क्या दिखाता है, नो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज, नो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, या सॉरी आइसोलेशन ऑफ एटम आएगा, आई एम सॉरी, आइसोलेशन ऑफ एटम। आपको यहां पर ये वाला टर्म जो दिखाता है वो दिखाता है कि किसी भी टाइप का अमाउंट ऑफ एनर्जी एलिमेंट के आइसोलेशन के लिए नहीं दिया गया है। ठीक है, एलिमेंट के आइसोलेशन के लिए जो एनर्जी जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। दूसरा जो टर्म है वो है आपका ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट क्या दिखाता है, तो यहां पर जो ग्राउंड स्टेट है वो दिखाता है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो जो ग्राउंड स्टेट है वो दिखाता है लोएस्ट एनर्जी ऑफ, या लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ, एनर्जी स्टेट ऑफ एटम। ये दोनों हुई आपका कंपैरेटिव टर्म्स है। ठीक है, कंपैरिजन पर्पस के लिए यहां पर हम दोनों टर्म्स को यूज करते हैं। ये दोनों ही आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए इंडिकेट देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। वुड यू एक्सपेक्ट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज फॉर टू आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट टू बी सेम और डिफरेंट। क्या आप, मैं इस क्वेश्चन को ओरली कराऊंगा आपको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ आइसोटोप सेम होगा कि डिफरेंट होगा? तो बच्चा लोग आइसोटोप का डेफिनेशन याद करो, आइसोटोप मतलब दीज आर द टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर इनका सेम है मतलब इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही है। तो अलग क्या है, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इनका अलग अलग है। तो क्योंकि दोनों के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम ही है, इनके अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर कोई भी टाइप का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, डिफरेंस किसी भी टाइप का आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब आइसोटोप्स का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो लगभग सेम ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब इस लेक्चर के अंदर हम यहां तक का कंटेंट कवर कर रहे हैं, बाकी का कंटेंट हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज क्लासेस की चैनल को, आराध्य क्लासेस की चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। खास करके जब आप कमेंट करते हैं तब हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग, बाय बाय। હાય ઊંચું આકાશ જાણા, તમે મને જી હેલારો અફરા તફરી ગુજ્જુ બાદગરેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મો અભિનય કરતા જોયું હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે ને ક્યાંક બીવડાયા છે। તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની। આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, જેડબલી અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરાવવામાં આવે છે। અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે।
તો એમને ખૂબ જ ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ.